ओम वंदे गौ माता। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस सिद्धांत पर संपूर्ण विश्व चल रहा है। ये ऐसा सिद्धांत है जिस पर संपूर्ण विश्व काम कर रहा है। आप कहेंगे ये ऐसा सिद्धांत, कैसा सिद्धांत है कि जिस पर संपूर्ण विश्व काम कर रहा है? जी हाँ मित्रों, आपको कुछ मिलता है, आपसे कुछ छूटता है, आपके पास कुछ आता है, कुछ जाता है, सब इसी सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है। कैसे, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि हम जिन शक्तियों को जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, कई बार हम उसको नकारात्मक कह देते हैं, सकारात्मक कह देते हैं, हमें कुछ बातें पता नहीं होती, इस कारण हम कुछ बातें अलग से कह देते हैं। आज हम इन बातों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे और इस विषय पर आप यदि आगे चर्चा चाहते हैं तो हम आपको आगे भी विषय वीडियो देंगे। आप हमें विषय टिप्पणी में दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे क्या काम करता है। तो हम आज हम इसका मूल सिद्धांत जान लेते हैं, ये होता क्या है। मित्रों, इस संसार को चलाने वाली एक ही शक्ति है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो है ईश्वर। ईश्वर की शक्ति हमेशा सकारात्मक होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नकारात्मक शक्तियाँ भी काम करती हैं, पर एक बात याद रखिए, वो कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ ईश्वर की नहीं हो सकती। वो हमारी सोच की, कुछ मनुष्यों की कुछ धारणाएं, अवधारणाएं या मान्यताएं, जो कह लीजिए, वो हो सकती हैं, पर ईश्वर की शक्ति हमेशा और हमेशा सकारात्मक होती है। ये अपने मस्तिष्क को स्पष्ट बता दीजिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति उस शुद्ध जल की तरह है जिसमें जो भी मिला दो वो उसके जैसा हो जाता है। और वो शुद्ध जल यदि आप पान कर लीजिए तो आपके भीतर से पूरी सफाई कर देगा। आप यदि उससे स्नान कर लें तो आपको ऊपर से साफ कर देगा। अर्थात शुद्धता, जो शुद्ध जल जो होता है वो सब कुछ सही करता है, साफ करता है, शुद्ध करता है। वैसे ही जो ईश्वर की शक्ति है वो सकारात्मक है, वो सबके अंदर शुद्ध रूप में ही आती है। मित्रों, ईश्वर की शक्ति जब आती है, जब हमें मिलती है, आती अर्थात हम जब उसको ग्रहण करते हैं, हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किस तरीके से हमारे विचार चलते हैं, उस पर उसका प्रभाव हमारी देह पे कैसा पड़ेगा निर्भर करता है। और स्पष्ट करूं, जैसे माना कि मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक बगीचा है, मेरे घर में पहले उस बगीचे से सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों की सुगंध आया करती थी, लेकिन इन दिनों सुगंध आना बंद हो गई है, क्योंकि कभी कभी जब हवा चलती है ना तो बीच में कचरा डालने का स्थान बन गया है, तो जहां वो कचरा पड़ता है वहां से उस कचरे की बदबू अब मेरे घर में अधिक आने लग गई है, तो बगीचे के फूलों की खुशबू, जो सुगंध थी, वो कहीं दब गई है। मित्रों, एक बात, ये बात मैंने बहुत जगह बताई, कई बार बताई है, कि यदि कोई चीज साफ रखनी है, एक दीवार है एकदम साफ है, लेकिन उस पर एक दाग लग जाता है तो दीवार गंदी हो जाती है। वैसे ही सुगंध को दबने के लिए हल्की सी दुर्गंध भी पर्याप्त होती है। इसलिए सकारात्मक शक्तियों का भी वही हाल होता है, सकारात्मक ऊर्जा का भी वही हाल होता है, उसमें एक जरा सा कुछ मिल जाता है तो वो कहीं थोड़ी बहुत नकारात्मक हो जाती है। मित्रों, यदि आपको सही होना है तो संपूर्ण रूपेण सही होना पड़ता है, और गलत होने के लिए मात्र एक छोटी सी भूल पर्याप्त होती है। आप बड़े बड़े नामों को आपने डूबते देखा है, और किन किन छोटी छोटी गलतियों पर डूबते देखा है आप सब जानते हैं, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। पर हमें ये बात ऐसे जाननी होगी, समझनी होगी, कि ईश्वरीय शक्ति हमेशा सकारात्मक ही होती है, लेकिन हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वो हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, और उसके साथ वो शक्ति मिलती है, उसका जो प्रभाव है वो आता है, इसलिए वो शक्ति सकारात्मक रहेगी हमारे लिए या नकारात्मक हो जाएगी हमारे लिए, ये हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर और संपूर्ण हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मित्रों, जो लोग अच्छी सोच रखते हैं ना, वो गलत यानी कि कुछ दुर्घटनाओं में भी सही मार्ग निकाल लेते हैं, और जो लोग गलत सोच रखते हैं ना, उनके पास यदि कुछ अच्छा भी आ जाता है उसमें भी वो बुराइयां ढूंढते हैं। इसका एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी, आपको शायद उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक गांव का किसान एक कहीं घूमने जा रहा था, तो गांव के जो पंडित जी थे उनके यहाँ एक बोला कि मेरी गाय थोड़े दिन संभालो, तो शिष्य बोला अरे कहाँ पर ये गाय दे गए, कितना गोबर उठाना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले, गुरु जी बोले, अरे भाई दूध तो दूध मिलेगा ना, अच्छी बात है, आने दो। तो गाय बांध ली। अब जब वो लेने आया तब तक वो शिष्य को आदत पड़ गई थी गाय का दूध पीने की, तो बोला कि अरे गुरु जी वो गाय लेने आ रहा है। बोले अरे जाने दो, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा।
तो आप किस समय क्या देखते हैं ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। गाय आते समय जैसे शिष्य ने देखा और जाते समय शिष्य ने देखा तो दोनों जगह दुखी हुआ, और वैसे जहां पंडित जी या गुरु जी ने देखा वो दोनों जगह सुखी हुए। तो ये आपकी जैसी देखने की दृष्टि होती है उस अनुसार आपका जो वातावरण है, जो तथास्तु है, जो ईश्वरीय शक्ति हमेशा तथास्तु कहती है, अर्थात आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, आप जो चाहते हैं वो हो जाए। आप क्या चाहते हैं ये आप तय करेंगे। आप कहेंगे हमने ऐसा नहीं चाहता पर हमारे साथ तो बहुत सी दुर्घटनाएं गलत हो गई। मित्रों आपने चाहा नहीं था पर आपने उसका चिंतन किया था, आपने उसका मनन किया था, आपके मस्तिष्क में वो चल रही थी इसलिए आपके साथ वो चीज हुई है। इसलिए कहा जाता है गलत विचार कभी नहीं, गलत सोच कभी नहीं, गलत किसी के बारे में बोलना कभी नहीं। यदि आप कुछ गलतियां ऐसे करते हैं जब वो आपके साथ होती हैं तो बहुत ही हानिकारक हो जाती हैं। मित्रों ये विषय हमने आज आपको आरंभ करके दिया है, आप इस पर और आप क्या क्या जानना चाहते हैं टिप्पणियां करेगा, हमें पता चलेगा, हम आपको इसके आगे की जानकारी भी देंगे। तो और विवरण बहुत सारे वीडियो हमने पहले और भी दे रखे हैं, आप इस पद्धति को अपना कर आप अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे आगे। तो आप देखिए और साथ ही बहुत सारी वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट अलग अलग हैं उनमें दिए हैं, आपके रोगानुसार उनमें वीडियो आपको मिल जाएगा। और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ, इस वीडियो में भी दिया हुआ है। आप मात्र नियम पालन प्राणायाम ही कर लें तो आपके मन मस्तिष्क और शरीर के सभी रोग आप बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हैं। ये ऐसे रोग हैं जो ये ऐसे वीडियोज हैं जो आपके मस्तिष्क से लेकर ये बाल झड़ने से लेकर और कैंसर तक के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और जैसा कि कहा प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर कर दीजिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। और फोन नंबर यदि चाहिए तो वीडियो विवरण के सारे वीडियोज आपको देखने होंगे, नंबर आपको वहां से मिलेगा। लेकिन फोन करने से पहले नियम पालन प्रणाम करें उसके बाद फोन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।